So in the last class, we discussed domain, range, and what are functions and what are function, what are not the functions. Okay. So first of all, we have types of relations. So how many types are there? देखते हैं. जनाब हमारे पास कितने किस्म की रिलेशंस हैं? देखें, सबसे पहले होती है जनाब हमारे पास वन टू वन, ठीक है जी. नेक्स्ट होती है जनाब वन टू मैनी, ठीक है जी. और थर्ड हमारे पास होती है मैनी टू वन. ये तीन किस्म की हमारे पास रिलेशंस होती हैं. अब इसके अंदर x का क्या किरदार है, इसमें y का क्या किरदार है, और ये फंक्शन होता है या नहीं होता है, ठीक है, कि हमें देखना है. तो जनाब वन टू वन का मतलब होता है कि वन टू वन का मतलब आप बताइए, आप में से कोई, क्या मतलब होता है? वहां पे वन टू वन का मतलब बताइए, क्या मतलब होगा वन टू वन का, या वन टू मैनी का क्या मतलब होगा, या मैनी टू वन का क्या मतलब होगा, बताइए. क्या जहन में आता है ये लफ्ज को देख के, वक्त वन टू वन? कम से ज्यादा वैल्यूज किस में आएगा ये? कम से ज्यादा वैल्यूज पता है किसमें आएगा ये? वन टू मैनी में, सही बताया. देखो बेटा वन टू, देखो एक्स आपको पता है कि इनपुट था, ठीक है, और वाई जो है वो क्या था, आउटपुट था, ये आपको याद है. सो मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं कि एक्स जो है वो हमारे पास क्या था, इनपुट था, ठीक है, और y हमारे पास क्या था, आउटपुट था, ठीक है. सो वन टू वन है ना अगर, तो x डज नॉट रिपीट, x जो है वो रिपीट नहीं करेगा. और वन टू वन में y भी डज नॉट रिपीट होगा. अच्छा जी, वन टू वन ही में क्या होगा, एक्स जो है वो रिपीट करेगा, जबकि वाई जो है वो मे रिपीट होगा. एग्जांपल दूंगा आपको बेहतर समझ में आएगा. मैनी टू वन में क्या होगा कि एक्स जो है वो डज नॉट रिपीट होगा, और हमारे पास जो y है वो रिपीट होगा. अच्छा मुझे ये बताइए कि फंक्शन कब होता है और फंक्शन कब नहीं होता है. फंक्शन कब होता है, जब इनपुट रिपीट ना करे, ऐसा ही है, कल पढ़ाया था मैंने. तो अब मुझे बताएं वन टू वन जो है वो फंक्शन होगा या नहीं होगा.
रिलेशन तो है, तो बताएं वन टू वन फंक्शन होगा या नहीं होगा, फंक्शन होगा। ठीक है जी, इसी तरीके से वन टू मैनी जो है वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स जो है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। बात समझ में आती? तो इसी तरीके से मैनी टू वन भी जो है वो फंक्शन होगा क्योंकि एक्स रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमें बेसिक सी बात समझ में आई कि जब हमारे पास डज नॉट रिपीट होगा एक्स तो वो फंक्शन होगा, जब भी डज नॉट रिपीट होगा तो वो फंक्शन होगा, और जब एक्स हमारे पास रिपीट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? तो तीन किस्म की रिलेशंस मैंने आपको बताई, कोई मसला इसमें? ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो वन टू मैनी है इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होता है। अब मैं आपको देता हूं मैं एग्जाम्पल। हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल क्या कह रही है? पहली एग्जाम्पल कह रही है जनाब, हमारे पास आर वन रिलेशन है इसके अंदर है फॉर सपोज ए टू बी थ्री सी वन। तो बताएं इसके अंदर इनपुट जो है वो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें एक्स रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वाई रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पता है कौन सा रिलेशन है? ना एक्स रिपीट हो रहा है ना वाई रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा रिलेशन है? ये कहलाएगा जनाब वन टू वन कहलाएगा। समझ आ गई बात? एक और रिलेशन देखते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है फॉर सपोज ए टू बी थ्री और ए वन। तो अब बताइए कि ये कौन सा रिलेशन है? वन टू मैनी है। क्यों है वन टू मैनी? क्योंकि इसके अंदर एक्स जो है वो रिपीट हो रहा है। कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है? देखिए ए जो है वो यहाँ भी रिपीट हो रहा है और ए जो है वो यहाँ भी रिपीट हो रहा है, और जब एक्स रिपीट होता है तो हम क्या कहते हैं इसको? वन टू मैनी कहते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, आर थ्री है हमारे पास, आर थ्री है फॉर सपोज हमारे पास ए टू बी थ्री और सी थ्री। अब ये कौन सा रिलेशन है? मैनी टू वन। ये मैनी टू वन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वाई रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब रिलेशन देखकर आपको पहचानना आ गया कि कब वो वन टू वन होगा, कब वो वन टू मैनी होगा और कब वो मैनी टू वन होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब हमारे पास जनाब इनवर्स रिलेशंस का क्या मतलब है?
इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है इनपुट बिकम्स आउटपुट एंड आउटपुट बिकम्स इनपुट दैट इज डोमेन बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम्स डोमेन और दैट इज एक्स बिकम्स वाई एंड y becomes x. तो इनवर्स क्या होता है, बात समझ में आ गई? इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है कि डोमेन इनपुट जो है वो आउटपुट बन जाएगा, आउटपुट जो है वो इनपुट बन जाएगा, डोमेन जो है वो रेंज बन जाएगा और रेंज जो है वो डोमेन बन जाएगा. ये बात समझ में आ गई आप सबको? क्लियर है आप दोनों को? ठीक है जी. अब हमारे पास रिलेशन और उसका इनवर्स. तो देखें, हमारे पास 1:1 था, हमारे पास 1:2 था, हमारे पास 1:2 था. तो अब मुझे बताओ कि 1:1 का इन्वर्स क्या होगा? जी भाई, 1:1 का इन्वर्स क्या होगा? फताया ने हाथ रेस किया हुआ है, बोलिए क्या हुआ? और एक सेकंड, ये बात कहीं चली गई. 1:1 का इन्वर्स इसका मतलब 1:1 ही आएगा. और 1:2 का इन्वर्स क्या आएगा? वन टू मैनी का इन्वर्स इसका मतलब many to 1 आएगा. और many to 1 का मतलब इन्वर्स जो है वो क्या आएगा? 1:2 आएगा. बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? देखो, मैंने ये बताया कि 1:1 का इन्वर्स तो 1:1 आएगा, क्योंकि इनपुट जो है वो आउटपुट बन जाएगा और आउटपुट जो है वो इनपुट बन जाएगा. 1:2 में many to 1 ही होगा. कहाँ से एक्सप्लेन करूँ दोबारा बताइए. अच्छा, इनवर्स रिलेशंस क्या होती हैं? इनवर्स रिलेशंस ये होती हैं कि इनपुट जो है वो आउटपुट बन जाता है और आउटपुट जो है वो इनपुट बन जाता है, डोमेन जो है वो रेंज बन जाता है और रेंज जो है वो डोमेन बन जाता है. यू कैन से कि एक्स जो है वो वाई बन जाता है और वाई जो है वो एक्स बन जाता है. बात समझ में आ गई? सो 1:1 का इनवर्स जो है वो क्या होगा? 1:1 ही होगा. 1:2 का इन्वर्स जो है हो जाएगा many to 1, और many to 1 का इन्वर्स हो जाएगा 1:2.
ठीक है जी। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, अब आ जाइए जनाब। इनवर्स फंक्शंस पे, अब हमारे पास इनवर्स फंक्शंस कौन कौन से हैं? देखिए फंक्शन हमारे पास कौन कौन से थे, देखिए होल्ड कीजिएगा एक सेकेंड। अच्छा जी, अब हमारे पास जो फंक्शंस थे वो कौन कौन से थे? ठीक है, फंक्शन नहीं, फंक्शन 1 2 मैंने नहीं था हमारे पास, फंक्शन हमारे पास दो ही थे, एक था 1 to 1 और एक था मैनी टू वन। तो बताएं इसका जो इनवर्स है वो हमारे पास क्या होगा? 1 to 1 का तो इनवर्स 1 to 1 ही होगा ना भाई। ये बात समझ में आ गई कि 1 to 1 का इनवर्स 1 to 1 ही होगा। अब बताएं मैनी टू वन का इन्वर्स क्या होगा? वन टू मैनी होगा, तो इसका मतलब इसको मैं लिखूंगा नॉन इन्वर्टेबल। अब बताएं मैंने इसको नॉन इन्वर्टेबल क्यों लिखा है? नॉन इन्वर्टेबल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इन्वर्ट होके फंक्शन थोड़ी रह रहा है, समझ रहे हैं इस बात को? तो इसका मतलब हमारे पास ओनली 1 to 1 फंक्शन इज इनवर्टेबल। ये बात समझ में आ गई सबको? देखो मैनी टू वन का इनवर्स क्या है? 1 to many, याद करो कल की क्लास, बल्कि अभी की क्लास। 1 to many फंक्शन नहीं होता, 1 to many फंक्शन नहीं होता। हम ये पूछ रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन कौन सा है। भाई 1 to 1 फंक्शन है, उसका इनवर्स करेंगे 1 to 1 आएगा, तो वो भी तो फंक्शन है। लेकिन जब तुम मैनी टू वन कर रहे हो तो उसका इनवर्स आ रहा है, वन टू मैनी। तो 1 to many इन्वर्टेबल तो नहीं होता ना, मतलब 1 to many फंक्शन तो नहीं होता ना। सॉरी, मैनी टू वन का इनवर्स क्या आ रहा है? 1 to many आ रहा है, तो वो इन्वर्टेबल थोड़ी है, इन्वर्टेबल थोड़ी हुआ। क्यों? क्योंकि वो खुद फंक्शन नहीं। तो देखिए मैनी टू वन अगर फंक्शन है और अगर मैं उसका इन्वर्स कर रहा हूं तो वो इन्वर्स आ रहा है 1 to many, तो भाई 1 to many तो फंक्शन ही नहीं है ना।
तो इसलिए इसको मैंने लिखा है नॉन इन्वर्टेबल। बात समझ में आती? So, अब मैं ओनी आर वन वगैरह का इन्वर्स निकालना, तो 2a 3b 1c, तो बताओ मैंने क्या किया। सिंपल मैंने क्या किया, एक्स को वाई बना दिया, वाई को एक्स बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर ना एक्स रिपीट हो रहा है ना वाई रिपीट हो रहा है, तो अभी भी ये क्या है, 1:1 ही है। इसी तरीके से जब मैं आर टू का करता हूँ इनवर्स, तो वो क्या आएगा जनाब, वो आएगा 2a 3b 1a। अब क्या हुआ, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो a रिपीट कर रहा है, और कहाँ रिपीट कर रहा है, y में रिपीट कर रहा है। और जब y रिपीट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैनी टू वन बोलते हैं। इसी तरीके से जब मैं आर थ्री का इन्वर्स करूंगा तो वो क्या आएगा, 2a 3b और 3c, ऐसा ही है। और जब मैं इसको देखता हूं, अब आप देखें कि 3 जो है वो यहां भी और 3 जो है वो यहां भी रिपीट कर रहा है, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 1:2 many। तो आपने रिलेशंस और उनके इनवर्स देख लिए, कोई मसला इनमें? बात समझ में आ गई आप सबको? नहीं आई समझ में, जरा मसला नहीं है इसमें। हिबा फिर गायब हो गई, हिबा फिर आ गई। हिबा बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, नेट नहीं चल रहा? क्लियर है जनाब यहां तक? तो बस ले यहां तक, ठीक है। न्यू मीटिंग ऑन कर रहा हूं मैं, उसको रिज्वाइन करेंगे। So now we will move on and we will discuss types of functions. Types of functions. First of all, we have into function. What is into function? When range output is not completely utilized, जब range जो है वो पूरी की पूरी इस्तेमाल ना हो तो उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको कि जनाब हमारे पास
जनाब ए जो है वो जा रहा है टू पे, ठीक है, बी जा रहा है थ्री पे, और जनाब सी जो है वो जा रहा है थ्री पे। सो अगर मैं इसकी रिलेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जनाब ए टू बी थ्री, और मेरे पास जो सी है वो भी किस पे है, थ्री पे है। तो आप देख सकते हैं वन इज वैकेंट, वन जो है वो खाली पड़ा हुआ है। तो मैं कहूंगा जनाब के रेंज ऑफ एफ जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू है किसके, वाई। जैसा कि आपको पता है कि ये जो है एक्स होता है, और ये हमारे पास वाई होता है, ऐसा ही है ना। तो रेंज जो है वो वाई के बराबर नहीं है, क्योंकि तो वाई का जो सेट है वो है 1 2 3, जबकि रेंज जो है वो बराबर है 2 3। अगर मैं यहां पर रेंज लिखूं, रेंज ऑफ एफ, तो वो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 3, जबकि वाई जो है वो किसके बराबर है, 1 2 3। तो रेंज जो है वो वाई के बराबर नहीं हुई। जब रेंज और वाई बराबर नहीं होते, व्हेन रेंज आउटपुट इज नॉट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड, तो इसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। बात समझ में आ गई। चलिए सेकंड हमारे पास है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। जनाब इसका नाम सर्जेक्टिव फंक्शन भी है। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, ऑन टू फंक्शन कहता है कि व्हेन रेंज इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड, कहता है रेंज जो है वो पूरी की पूरी इस्तेमाल हो जाएगी। तो जनाब फॉर सपोज यहां पर ए जो है वो टू पे जा रहा है, बी जो है वो वन पे जा रहा है, और सी जो है वो टू पे जा रहा है। तो अगर मैं रिलेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, लिखूंगा आर इज इक्वल टू, अभी क्या बनेगी रिलेशन, ए टू बी वन और सी टू। तो अब जब यहां पर मैं लिखता हूं रेंज एफ की, तो वो है मेरे पास 1 2, और जब मैं लिखता हूं वाई तो वो भी क्या है, 1 2। आपने क्या देखा कि रेंज ऑफ एफ जो है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है। जब भी रेंज ऑफ एफ जो है वो वाई के बराबर होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जनाब वो ऑन टू फंक्शन। तो इनटू और ऑन टू का फर्क समझ में आ गया।
ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास होता है वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन आपको नाम से समझ में आ जाना चाहिए। वन टू वन का एक और नाम होता है जनाब और ये होता है इंजेक्टिव। अच्छा जी, वन टू वन क्या कहता है? व्हेन सिंगल आउटपुट इज यूटिलाइज्ड बाय सिंगल इनपुट एट अ टाइम। तो ये वही वन टू वन फंक्शन है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। जनाब फॉर सपोज हमारे पास ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है जी। सी जो है ना वो जा रहा है 4 पे। तो अगर आप इसके रिलेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे जनाब ए गया 2 पे, फिर उसके बाद बी गया 1 पे और उसके बाद सी गया 4 पे। तो वन टू वन की पहचान ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेंज ऑफ एफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑन एफ। बराबर होंगे। क्या बताया मैंने आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर डोमेन के देखें और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम रेंज के देखें तो ये आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या कहते हैं इसको? वन टू वन कहते हैं। अगर उसके 3 एलिमेंट्स है तो उसके भी 3 एलिमेंट्स होंगे, अगर उसके 5 एलिमेंट्स है तो उसके भी 5 एलिमेंट्स होंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है दोनों को? ठीक है। इसके बाद होता है जनाब बाय, कोई भी बेटा बात समझ में ना आए फौरन हाथ के हाथ पूछ लेना। बायजेक्टिव फंक्शन, बायजेक्टिव क्या होता है जनाब? वन टू वन एज वेल एज ऑन टू, जो इसके अंदर दोनों बातें पूरी हों उसको हम क्या कहते हैं? बायजेक्टिव कहते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे अब जनाब हमारे पास ये है, अगर मैं इसकी रिलेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ए 3 बी 1 सी 2। तो अब इसके अंदर दोनों बातें पूरी हो रही है। कैसे? कि भाई इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन के हैं उतने ही एलिमेंट्स जो है वो रेंज के भी हैं, और दूसरी बात ये कि अगर मैं इसकी मेंशन करूं
रेंज, तो इसकी जनाब रेंज है 1 2 3, और इसका जो वाई का सेट है वो भी क्या है 1 2 3, तो रेंज ऑफ एफ और वाई जो है वो आपस में क्या है बराबर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर हो गई जनाब ये एग्जांपल? दोनों को क्लियर है ये एग्जांपल? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, ओके जी। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है जनाब? व्हेन रेंज इज लिमिटेड टू सिंगल आउटपुट ओनली। इसकी एग्जांपल देखते हैं जनाब। हमारे पास अब ये ए बी सी थे, ठीक है जी। अब ए जा रहा है 1 पे, सी जा रहा है 1 पे, और बी भी जा रहा है 1 पे, और सारे के सारे जो हैं कहाँ जा रहे हैं 1 पे जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि अगर मैं इसके अंदर आर बनाऊं रिलेशन, तो क्या बनेगी कि भाई ए जो है वो जा रहा है 1 पे, बी जो है वो जा रहा है 1 पे, और सी जो है वो जा रहा है 1 पे। तो अगर मैं इसकी रेंज बताऊं आपको, तो रेंज के अंदर जो एलिमेंट है वो सिर्फ क्या है 1 है, कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेंज ऑफ एफ जो है वो कितने हैं? एक है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेंज एक ही होगा एलिमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? क्लियर है भाई कांस्टेंट फंक्शन? अब आ जाइए जनाब आइडेंटिटी फंक्शन पर। आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहते हैं? व्हेन आउटपुट इज सेम एज इनपुट, दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स। वाई और एक्स क्या हो आपस में बराबर हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो जनाब हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि जनाब ए का आंसर जो है वो ए आए, बी का आंसर जो है सी का आंसर सी आए, बी का आंसर बी आए। मतलब जो इनपुट है वही जो है वो आउटपुट है। तो जनाब आप देख सकते हो कि ए का ए आएगा, बी का बी आएगा, और सी का सी आएगा, ठीक है। सबसे आखिरी टाइप हमारे पास होती है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या कहता है? व्हेन आउटपुट रिपीट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल
ऑफ डोमेन ऑफ इनपुट्स, कि आउटपुट जो है वो रिपीट करे आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ इनपुट। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जनाब हमारे पास साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। तो साइन को ले लें, कॉस को ले लें, हमारे पास भाई देखिए आपको याद होगा कि जो आप साइन 390 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे ना, वही आपकी वैल्यू साइन 30 डिग्री की भी वैल्यू आएगी। इसी तरीके से जो आप कॉस माइनस 60 निकालेंगे ना, वही आपके पास कॉस 60 डिग्री भी आएगा। समझ में आ रही बात? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपने फर्स्ट टर्म में पढ़े में कि आपको पता है कि भाई एंगल की जो वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। तो ऐसे फंक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? तो चैप्टर वन में जो है ना बेटा ज्यादातर थ्योरी है, और ये थ्योरी अभी अच्छी बना लोगे ना आगे यूनिवर्सिटी में बड़ी काम आएगी। तो शुरू में बेटा हमारा सिलेबस थोड़ा स्लो पेस पे चलेगा, और उसके बाद फिर हम इसको टेस्ट कर देंगे, ठीक है।